आई एम मोहम्मद रईस। टुडे वी विल रीड क्लास सिक्स ग्रामर फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड द सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कि बच्चों आज हम कक्षा सिक्स का ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस उसके जो काइंड है, सेंटेंस के जो पार्ट है, वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है वाक्य की बनावट। अब वाक्य की बनावट में क्या आएगा, जिसमें उसमें सेंटेंस यानी वाक्य, अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मतलब उद्देश्य और विधेय, यानी ये सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। तो इसके काइंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन। तो व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या होता है? तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी वाक्य क्या है, अब इसमें जो डेफिनेशन दी है थोड़ी सी डिफरेंस है। जैसे ए सेंटेंस इज कलेक्शन ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे ए सेंटेंस इज कलेक्शन ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस मीन्स एक वाक्य, इज मीन्स है, ए कलेक्शन यानी एक संग्रहण या ग्रुप समूह, ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का। तो वाक्य क्या है, एक शब्दों का समूह है, विच मीन्स जो कि मैक्स यानी बनाता है, कंप्लीट यानी पूर्ण, सेंस मीन्स अर्थ। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है यानी जो वाक्य है, वो शब्दों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है। तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, वो कहलाता है सेंटेंस यानी वाक्य। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इज माई ब्रदर, तो ही क्या एक वर्ड है, इज क्या है वर्ड है, माई वर्ड है, ब्रदर वर्ड है, और इन सब से मिलके क्या बनता है, एक सेंटेंस। तो वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि लेटर से मिलके वर्ड बनता है और वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, मीनिंगफुल है, सभी का अर्थ निकल रहा है, एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो ये सेंटेंस है। जैसे सीता सिंग्स ए गुड सॉन्ग, कि सीता एक अच्छा गाना गाती है, तो इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, पूरा अर्थ निकल रहा है, तो ये भी एक क्या है, वाक्य है। नाउ वी विल रीड द काइंड ऑफ सेंटेंसेज। अब हम, ये तो डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी चाहिए, अब है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज यानी वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के पांच प्रकार होते हैं। तो कितने टोटली काइंड्स होते हैं, फाइव काइंड्स। पहला है असरेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होता है इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फिफ्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये फाइव काइंड्स होते हैं सेंटेंस के, आपको इनको लर्न करना है, याद होना चाहिए आपको कि देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये वाक्य के पांच प्रकार होते हैं। अब हम इसको एक एक को पढ़ेंगे। जैसे पहला है असरेटिव सेंटेंस। असरेटिव सेंटेंस यानी होता है विधि सूचक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य भी इनको बोल सकते हैं। अब होता क्या है असरेटिव सेंटेंस, तो ए सेंटेंस विच मेक्स एनी स्टेटमेंट इज कॉल्ड असरेटिव सेंटेंस। यानी ए सेंटेंस यानी एक वाक्य, विच यानी जो कि, मैक यानी बनाता है, एनी स्टेटमेंट यानी कोई भी कथन, यानी एक वाक्य जो कोई भी कथन बनाता है, इज कॉल्ड असरेटिव, उसको असरेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है हरी रीड्स ए बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है, जैसे मोहन डज नॉट सिंग। अब इसमें भी अभी आपको आगे पढ़ेंगे, जैसे कमला इज इल, कमला बीमार है, जैसे मोहन डज नॉट सिंग, मोहन नहीं गाता है, जैसे राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है। तो ये इसके प्रकार हुए। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो असरेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी टू टाइप्स होते हैं, असरेटिव सेंटेंस के भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव का मतलब
अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं कि ए सेंटेंस विच टेल्स अबाउट ए अकरेंस ऑफ टास्क और एन इवेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी वाक्य जो हमें किसी भी घटना या कार्य के होने की सूचना देता है यानी उसके बारे में बताता है वो कहलाता है अफर्मेटिव। यानी जिस वाक्य में किसी भी कार्य या घटना के घटित होने के बारे में हमको वो बताता है यानी इन्फॉर्म करता है तो वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे हरी रीड्स ए बुक, हरी एक किताब पढ़ता है, तो अभी हरी क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ने के बारे में हम क्या दे रहा है, इन्फॉर्म दे रहा है, सूचना दे रहा है। जैसे कमला इजिल, कमला बीमार है, तो कौन बीमार है, कमला बीमार है, तो सूचना दे रही कि कमला क्या है, बीमार है कमला, तो वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। यानी ए सेंटेंस विच रिफर्स ए टास्क और एन इवेंट नॉट अकरिंग इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यानी वह वाक्य जिसमें किसी भी कार्य या घटना के नहीं होने की सूचना दी जाती है, यानी जिस वाक्य में किसी भी कार्य या घटना के घटित नहीं होने की सूचना दी जाती है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। यानी जिस वाक्य में क्रिया के मना करने का भाव हो नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मोहन डज नॉट सिंग, मोहन नहीं गाता है, तो मोहन क्या नहीं कर रहा है, नहीं गा रहा है, तो मना करने का भाव है। जैसे राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है, तो उपस्थित नहीं है, तो नेगेटिव सेंस जब आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये तो हुआ असरेटिव सेंटेंस। अब दूसरा जो काइंड है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव हो वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यानी ए सेंटेंस बाय विच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी एक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेज। यानी हम पुट यानी रखते हैं क्वेश्चन मार्क, यानी इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का भाव हो और साथ ही इनके अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है वो कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अब ध्यान होना चाहिए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है और एक WH वर्ड से बनता है। हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव होता है उसका प्रारंभ किससे होता है, बिगनिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। और WH वर्ड से जो इंट्रोगेटिव बनता है उसका बिगनिंग होता है WH वर्ड से, और एंडिंग दोनों में ही क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इज विमला इल, क्या विमला बीमार है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जाते हो, कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो। तो ये सभी देखो इन सेंटेंस सब किससे शुरू हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे इज, मे, डू और कैन ये सब हेल्पिंग वर्ब है और अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बन रहा है। तो इसमें नोट भी लिखा है, देखो सच सेंटेंस इंट्रोगेटिव आर हैविंग हेल्पिंग वर्ब सच एज इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, डू, डज, मे, माइट, मस्ट, ये सभी बिगनिंग में होते हैं। यानी जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनता है उनके प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब दी होती। दूसरा है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, हु इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी कौन हैं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय कब जाते हो। तो ये सब इंट्रोगेटिव है WH वर्ड से और ये WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं। तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस आर ऑलवेज स्टार्ट विद WH वर्ड। यानी इस प्रकार के जो इंट्रोगेटिव होते हैं WH वर्ड से बनने वाले वो हमेशा WH वर्ड से शुरू होते हैं, उनके अंत में एंडिंग में क्वेश्चन मार्क का शुरुआत यानी यूज किया जाता है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव इन सभी भावों को व्यक्त किया जाता है वो इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। कि ए सेंटेंस विच रिफर्स टू ऑर्डर, कॉमन कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यानी जिन वाक्यों में ए सेंटेंस यानी एक वाक्य जिसमें आदेश,
ये ऑर्डर हो गया, आदेश, कमांड, आदेश, आदेश, प्रार्थना, इन सभी के भावों को व्यक्त किया जाता है। जिन वाक्यों में आदेश, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, इन सभी भावों को व्यक्त किया जाता है वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके अलावा ध्यान रखें एक चीज़ कि इम्परेटिव जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, यानी जो सब्जेक्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंस में वो हिडन सब्जेक्ट होता है, यानी छिपा हुआ होता है। और वो सब्जेक्ट अधिकांशतः कौन सा होता है? यू, जो कि छिपा हुआ होता है, स्पष्ट दिया हुआ नहीं होता, छुपा हुआ होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होना है। और इसके अलावा जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इम्परेटिव और नेगेटिव इम्परेटिव। जो पॉजिटिव इम्परेटिव होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और जो नेगेटिव इम्परेटिव होते हैं वो डू नॉट और डोंट से शुरू होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने की। जैसे एग्जाम्पल ऑर्डर में, जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, ब्रिंग सम वाटर, थोड़ा पानी लाओ, ये क्या है? आदेश है। फिर अगला, जैसे रिक्वेस्ट में, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, तो रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो सेंटेंस है वो प्लीज और काइंडली से बनाए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। कमांड, जैसे ऑबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करें, तो ये कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब इसमें होते हैं। अब जैसे नॉट सब्जेक्ट, यू इज हिडन इन सच सेंटेंसेज, यानी इस प्रकार के वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है यू, वो हिडन होता है। जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, तो किसको बोल रहा है? आपको बोल रहा है, ठीक है, तो यू जो हिडन सब्जेक्ट होता है। फिर अगला है फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य का मतलब कि जिन वाक्यों में आकस्मिक भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, सडन फीलिंग्स, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस आर एक्सप्रेस द सडन फीलिंग्स लाइक वंडर, फियर, पेन, कंपेशन, प्लेजर एटसेट्रा। यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, तो इसमें जैसे दिया ए सेंटेंस विच रिफर द वंडर, फियर, पेन, मर्सी, हेट, कंपेशन, प्लेजर एटसेट्रा इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी एक वाक्य विच रिफर, यानी जिसमें प्रयोग किया जाता है, द वंडर यानी आश्चर्य, फियर, फियर मीन्स भय, पेन मीन्स दर्द, मर्सी यानी दया, हेट मीन्स घृणा, कंपेशन, कंपेशन मीन्स करुणा या दया, प्लेजर, प्लेजर मीन्स आनंद या प्रसन्नता, ये सभी जो व्यक्त किया जाता है जिस वाक्य में वो एक्सक्लेमेटरी या मार्क यानी विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखें, ये सब चीज़ें हैं वो सडन फीलिंग्स होती है, अचानक ये भावनाएं व्यक्त होती है कि जिस वाक्य में आकस्मिक भावना, आकस्मिक यानी सडन फीलिंग्स, अचानक जो भावनाएं निकलती है, तो जिन वाक्यों में आकस्मिक भावनाओं को व्यक्त किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे उसमें फिर आश्चर्य है, दर्द है, डर है, दया है, करुणा, घृणा, सुख, प्रसन्नता, ये सभी भाव व्यक्त होते हैं। जैसे वॉट ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, देखो कितनी सुंदर लड़की है, हाउ डार्क द नाइट इज, कि रात कितनी अंधेरी है, तो ये क्या डर है ऊपर वाले में, जैसे द वॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, कितनी सुंदर लड़की, आश्चर्य हो रहा है। जैसे हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, वॉट अ सेम, यानी कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो ध्यान रखिए, नॉट इसमें दिया कि एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह इज पुट एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस, यानी इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समटाइम्स वर्ब इज हिडन इन द सेंटेंस, या और कभी कभी जो वर्ब होती है वो इस प्रकार के वाक्यों में छिपी हुई होती है। अगला है लास्ट, फिफ्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य या आशीर्वाद सूचक वाक्य, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों में आशीर्वाद, शुभकामना, मनोकामना, श्राप, ये सभी भाव व्यक्त किए जाते हैं। तो ए सेंटेंस विच रिफर द पेशन, ब्लेसिंग, क्रश एटसेट्रा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी एक वाक्य जिसमें पैशन, पैशन का मतलब होता है उत्साह, जुनून, ब्लेसिंग आशीर्वाद, क्रश श्राप, इन सभी को व्यक्त किया जाता है वो कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक या आशीर्वाद सूचक वाक्य। जैसे मै यू लिव लॉन्ग, यानी दीर्घायु हो, यह क्या है? आशीर्वाद है, ब्लेस है। जैसे मै यू गो टू हेल,
कि तुम नरक में जाओ, तो ये क्या है? क्रश है, अभिशाप है, श्राप है ये। अब नॉट है वी पुट एक्सक्लेमेटरी मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेज ऑल्सो, कि हम इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं यानी जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंत में भी किसका यूज किया जाता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कि मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, के श्रीमान शर्मा हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो ये किस टाइप का? साधारण वाक्य, सीधी सूचना दे रहा है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, मना कर रहा है, तो नेगेटिव हो गया। हु आर यू, तुम कौन हो, तो इंट्रोगेटिव हो गया। डब्ल्यू एच वर्ड से बन रहा है तो इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछ रहा है तुम कौन हो। कम हियर, यहाँ आओ, तो ये क्या है? कमांड है, आदेश है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो किस टाइप का हो गया? इंपरेटिव हो गया। फिर अगला, हाउ फास्ट इज ही इज वॉकिंग, कितनी तेज़ी से चल रहा है, तो ये आश्चर्य हो रहा है, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी। फिर मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें, तो ये आशीर्वाद हो गया, कामना हो गई, तो इसमें हो जाएगा ऑप्टेटिव। अब है स्टडी द एग्जाम्पल एंड टेल द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कि नीचे दिए हुए वाक्यों को आराम से पढ़ना है, एग्जाम्पल को स्टडी करना और उनका काइंड बताना है। जैसे पहला है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, इन्फॉर्म कर रहा है, तो एसरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, अफर्मेटिव लिख सकते हैं अपन या एसरेटिव डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर अगला है दूसरा, सीता इज नॉट ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की नहीं है, तो मना कर रहा है, तो नेगेटिव लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको। फिर अगला, वाई हैव यू कम लेट अगेन, तुम दोबारा देरी से क्यों आए, तो प्रश्न पूछ रहा है, तो इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। अगला है फोर्थ, डू यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स डेली, क्या तुम अपने कपड़े रोजाना नहीं धोते हो, तो प्रश्न भी पूछ रहा है, मना भी कर रहा है, तो इसका मतलब किस टाइप का हो गया? इंट्रो नेगेटिव, ठीक है, फोर्थ हो गया इंट्रो नेगेटिव। फिफ्थ, स्टडी रेगुलरली, नियमित रूप से पढ़ाई करो, तो आदेश हुआ गया, चला भी बोल सकते हैं इसको, तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। फिर सिक्स, प्लीज वेट टिल आई कम, यानी जब तक मैं आऊँ तब तक कृपया इंतजार करना, तो ये क्या हो गया? इंपरेटिव हो गया, प्लीज काइंडली से रिक्वेस्ट कर रहा है उससे। हाउ ग्रैंड द ताज इज, ताज है वो कितना बड़ा है, आश्चर्य हो रहा है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर अगला, एट डू नॉट मेक ए नॉइज हियर, कि यहाँ पे शोर मत करो, तो ये मना करना है, यानी ये इंपरेटिव का हो गया नेगेटिव, तो ये लिख सकते हैं इसको इंपरेटिव, और कॉस्टक में नेगेटिव करना है साथ में, तो इंपरेटिव का नेगेटिव है। फिर नाइन्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी जो धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ये मना कर रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। फिर मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो यानी लंबी आयु हो, या आशीर्वाद है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो टुडे इन दिस वीडियो वी हैव रीड द सेंटेंस डेफिनेशन एंड काइंड ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।